Hello learners, my name is Vinita Pant. I am from Department of Psychology, Uttarakhand Open University, Haldwani. And आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग कोरिलेशन. पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने समझा था कोरिलेशन क्या है, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन कैसे देखते हैं, और उसके अलावा हमने जाना था स्कैटर प्लॉटिंग कैसे की जाती है. आज हम जानेंगे कि जो कोरिलेशन कोफिशियंट है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसको हम कंप्यूट कैसे करते हैं, उसको निकालने के क्या क्या तरीके हैं. तो कोरिलेशन कोफिशियंट निकालने के लिए कुछ कॉमन तरीकों का यूज किया जाता है, जिसमें सबसे पहले एक कॉमन तरीका आता है पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड. तो पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड जो है कार्ल पियर्सन ने दिया था, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ये सबसे कॉमन मेथड है क्योंकि इसके जब भी हमारे पास कुछ दो वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के द्वारा हमने लिए होते हैं, उसके अलावा उनमें नॉर्मेलिटी के जो प्रिंसिपल हैं वो फॉलो हो रहे होते हैं, इसके अलावा जो हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन को यूज करते हैं. और ये जो हमारा आउटपुट देता है काफी एक्यूरेट इसमें रिजल्ट निकल के आते हैं क्योंकि सारे प्रिंसिपल्स यहाँ पे हम अजम्पशन जो है फॉलो कर रहे हैं. लेकिन कई बार ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि सारे अजम्पशन नहीं हो पाते हैं, तो उन केसेस में हम अदर मेथड्स को भी यूज करते हैं. जो पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन है उसी के कुछ स्पेशलाइज्ड फॉर्म है, यानी कि पियर्सन के ही कुछ स्पेशलाइज्ड फॉर्म है, जैसे कि पॉइंट बाइसिलियन कोरिलेशन एंड फाइव कोफिशिएंट. तो ये जो कोरिलेशन, ये जो मेथड है, ये पियर्सन की स्पेशलाइज्ड फॉर्म माने जाते हैं. इसके अलावा नॉन पियर्सन कोरिलेशन में हमारा बाइसिलियन कोरिलेशन आता है, टेट्राबोरिक कोरिलेशन आता है, और वहीं पे कई बार ऐसी कंडीशन होती है जहां पे हमारे पास ऑर्डिनल वैल्यूज में जो हमारा वेरिएबल है वो होता है, यानी कि हम उसको रैंक प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे हम रैंक ऑर्डर कोरिलेशन का यूज करते हैं, जिसमें कि हमारा एक फेमस है स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन वो आता है, और उसके अलावा हम कैंडल टाउ का भी यहाँ पे यूज करते हैं. तो अगर हम जाने की जैसे पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन का मैंने बताया कि दोनों वेरिएबल हमारे कंटिन्यूअस हो तभी हम इसका यूज करेंगे, नॉर्मेलिटी का प्रिंसिपल फॉलो हो रहा तभी हम इसका यूज करेंगे, या होमोजेनिटी हो हमारे वेरिएबल्स में तभी हम इसको यूज कर पाएंगे. अगर ये अजम्पशंस फॉलो नहीं हो रहे हैं, हल्का फुल्का तो चलता है लेकिन अगर अजम्पशंस में बिल्कुल ही फॉलो नहीं हो पा रहा है तो वहां पे हम दूसरे मेथड्स को यूज करते हैं. अब पॉइंट वाइज कोरिलेशन क्या है, वो ऐसे स्थिति में यूज होता है जहां पे आपका एक वेरिएबल कंटिन्यूअस हो और दूसरा वेरिएबल डाइकोटोमस वेरिएबल हो. कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, पहले तो वेरिएबल जो होते हैं कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट दो तरीके के हो सकते हैं. कंटिन्यूअस वेरिएबल वो होते हैं जो कंटिन्यूटी में चलते रहते हैं, उनकी वैल्यू जो है इनफाइनाइट टर्म तक आते रहती है. तो वेरिएबल जो होते हैं आप कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट दो तरीके से आप इनको देख सकते हो, ये इनफाइनाइट वैल्यू तक चलते रहते हैं, और ये जो होते हैं ये काउंटेबल होते हैं, यानी कि लिमिटेड वैल्यूज होती हैं. अब जैसे आपने वेट लिया तो वेट आप क्या करेंगे, आपने 60 केजी वेट लिया है तो 60 केजी भी हो सकता है, ये 60.23 भी हो सकता है, 4, 7, 6 कुछ भी आपका चलता रहेगा, तो कंटिन्यूटी उसकी चलती रहेगी इनफाइनाइट वैल्यू तक. लेकिन जैसे अगर हम स्पेस में स्टार्स की बात करें तो वहां पे भी आप कह रहे हैं कि बहुत इनफाइनाइट होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, तो वो एक तरीके से कंटिन्यूस वेरिएबल हो गया. लेकिन जो डिस्क्रीट वेरिएबल होगा यहाँ पे काउंटेबल डेटा ही आएंगे. अगर आपने एक क्लास में बच्चों को आप की गिनती कर रहे हैं तो वो काउंटेबल फॉर्म में आएंगे, उनमें ऐसा नहीं होगा कि उनमें डिवीजन हो रही है और उनको आप डिवाइड कर पा रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट डाटा. तो जब हमारे पास दोनों कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं तो हम पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन का यूज करते हैं. जब हमारे पास एक कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है और दूसरा वेरिएबल हमारा डाइकोटोमस कैटेगरी का होता है, डाइकोटोमस मतलब उसको दो क्लियर भागों में डिवाइड किया जा सकता है. जैसे आपने जेंडर ले लिया, आपने लिया जेंडर और दूसरा वेरिएबल आपने एटीट्यूड लिया, एटीट्यूड को आपने मेजर किया किसी पर्टिकुलर स्केल लगा के और उसकी वैल्यूज कुछ भी आ रही है, लेकिन आपने दूसरा वेरिएबल जेंडर लिया है तो उसको आप मेल और फीमेल दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो गया, एक वेरिएबल आपका डाइकोटोमस वेरिएबल हो गया. तो ऐसी कंडीशन आप पॉइंट बाय सेल कोरिलेशन को यूज कर रहे हैं. फाइव कोफिशिएंट का यूज कब करेंगे, जब हमारे पास दोनों वेरिएबल डाइकोटोमस नेचर के हो जाएंगे. वहीं पे बाइसिलियल और टेट्राबोरिक कोरिलेशन की बात आती है. कई बार ऐसा कंडीशन होती है कि हमारा जो वेरिएबल है वो डाइकोटोमस तो हम करते हैं उसको, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है, तो ऐसी स्थिति में हम जो बाइसिलियल कोरिलेशन है उसका यूज करते हैं. इसमें एक वेरिएबल डाइकोटोमस ली जो होगा कंटिन्यूअस होगा तब हम इसको यूज करेंगे. अब जहां पे दोनों वेरिएबल डाइकोटोमस है और दोनों में ही कंटिन्यूअस वेरिएबल्स भी है तो वहां पे हम टेट्राबोरिक कोरिलेशन को यूज करते हैं. और स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर मेथड हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास ऑर्डिनल वैल्यूज होंगी और यानी कि रैंक प्रोवाइड होंगे सारे वेरिएबल्स को, तब हम स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन का यूज करेंगे. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारे मेथड है. सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे
कार्ल पियर्सन के प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन की। तो पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो मेथड है कार्ल पियर्सन ने दिया था और कोरिलेशन निकालने का सबसे पहला स्टैटिस्टिकल प्रयास एक तरीके से पियर्सन ने किया था, उसको 1896 में कार्ल पियर्सन ने दिया था। और इसका जो सिंबल है स्टैटिस्टिकल सिंबल जो है इसको निकालने का वो आर है, यानी कि आर से हम इसको डिनोट करते हैं। और ये काफी पॉपुलरली यूज होता है सबसे पहले एक्यूरेट रिजल्ट के लिए, इसको ही मतलब पहले हम लेते हैं कि अगर हम पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन निकाल पा रहे हैं, यहाँ पे लागू कर पा रहे हैं, अजम्पशंस उसके फॉलो हो रहे हैं, तो उसी को यूज करने का प्रयास किया जाता है। कार्ल पियर्सन के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मींस बाय देयर नंबर ऑफ पेयर्स एंड देयर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसको निकाल लीजिए, हम क्या करते हैं उसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स वाई दो वेरिएबल आगे, और उसके बाद हम क्या करते हैं एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, यहाँ पे क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये आपका एन हो गया, और ये दोनों जो वेरिएबल्स आते हैं उनके डेविएशन का हम यहाँ पे प्रोडक्ट निकालते हैं। उसको भी हम आगे स्लाइड में क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम इसको देखेंगे। अब ये एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है y, इनके कुछ यहाँ पे ये दिए हुए वेरिएबल्स की वैल्यू दी हुई है, जिसमें कि आप यहाँ पर 18, 10, 15, 17 देख सकते हैं, y में 14, 12, 17, 18 ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले मीन निकालते हैं, और मीन को हर वैल्यू से जब हम माइनस करते हैं तो हमारा डेविएशन निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे भी हमने सबसे पहले मीन निकाला, मीन निकालने के लिए आप क्या करते हैं सिग्मा एक्स अपॉन एन करते हैं, तो सिग्मा एक्स अपॉन एन जब किया तो मीन निकल कर आ गया, और उसके बाद एक्स माइनस एम निकाला और यहाँ पे वाई माइनस एम निकाला, तो एक डेविएशन इसका निकल कर आ गया और एक डेविएशन इसका निकल के आ गया। फिर हम क्या करेंगे यहाँ से निगेटिव साइन हटाने के लिए हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकाल दे, यानी कि इस डेविएशन का स्क्वायर और यहाँ पे इसका स्क्वायर, यानी 4 4 16 या 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, इस तरीके से जब हम स्क्वायर करेंगे तो सारी वैल्यूज यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी। इसके साथ में हम क्या करते हैं हम इन x और y वैल्यू का प्रोडक्ट भी निकालते हैं, यहाँ पे हमने इन दोनों का प्रोडक्ट भी निकाल लिया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 4 × 1 4 4 × 1 4 इस तरीके से ये भी निकल के आ गया। फिर हमने यहाँ पे x स्क्वायर का समेशन निकाल लिया, और यहाँ पे हमने y स्क्वायर का समेशन निकाल लिया, और यहाँ पे एक्स वाई दोनों के प्रोडक्ट का समेशन निकाल लिया। जब ये सारी वैल्यूज हमारी निकल के आ जाती है, फिर हम जो हमारा पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन का फॉर्मूला है उसको अप्लाई करते हैं और उसकी वैल्यू हम निकालते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो फॉर्मूला है उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में, जैसे मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था जब हम आपका एस डी निकाल लेते हैं, यानी कि जब हमने वो फॉर्मूला पढ़ा था ना, उस फॉर्मूले में क्या था नीचे पे एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई था, इसको हम अलग से अगर निकाल लें अंडर रूट सिग्मा एक्स अपॉन एन करके हम इसको निकाले और उसको भी निकाले, तो उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ये फॉर्मूला जो है वो इस तरीके का बन जाएगा, यानी कि समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिखेंगे। तो हमने वैल्यूज निकाल ली थी, यहाँ पे हमने समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लिया था, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर निकाल लिया था, और हमने एक्स वाई को भी वहां पे निकाल लिया था। तो ये सब निकाल लेने के बाद आपकी जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आएगी प्लस 0.50। तो यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है, हमें जो साइंस है उसको जरूर ध्यान रखना है पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि वो हमारी जो डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन है उसको दिखाएगा कि हमारा जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव कोरिलेशन है या फिर नेगेटिव कोरिलेशन है। यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है 0.50 निकल के आई, तो हमें स्ट्रेंथ भी पड़ी थी कि जब 0.50 वैल्यू आती है तो मॉडरेट लेवल का होता है, तो हम इसको कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो ये हमारा कोरिलेशन निकालने का पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन निकालने का पहला मेथड हो गया। अब कई बार क्या होता है स्थिति ऐसी होती है कि जो हमारी मीन है वो डेसिमल्स पे आ जाती है, तो वहां पे हम एक दूसरा तरीका यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं अज्यूम मीन मेथड। तो अज्यूम मीन मेथड जो है इसमें हम क्या करेंगे, जैसे आपने देखा कि एक एक्स वेरिएबल है एक वाई वेरिएबल है, इनकी कुछ वैल्यूज हैं इसकी कुछ वैल्यूज हैं, तो हमने मीन निकाला, तो मीन हमारा क्या निकल के आ गया यहाँ पे 17.30 निकल के आ गया, यहाँ पे 18.80 निकल के आ गया। हमने सोचा कि इतने डेसिमल से अगर हम माइनस करेंगे तो काफी दिक्कत होगी, लेंथी हो जाएगा बहुत मेथड, तो उसको शॉर्ट बनाने के लिए शॉर्ट मेथड हम इसको बोल सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया अज्यूम मीन मान लिया, इसको हमने नियर बाय नंबर 17 मान लिया इसके मीन को, और इसका नियर बाय नंबर हमने इसके मीन को 18 मान लिया। अब यहाँ पे हमने x माइनस 17 यहाँ पे y माइनस 18 करके हमने डेविएशन निकाल दी, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में निकालते हैं।
फिर उसके बाद इनका एक्स स्क्वायर निकाला, वाई स्क्वायर निकाला और दोनों का प्रोडक्ट भी निकाल लिया एक्स वाई। अब यहाँ पे एक अंतर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने एज्यूम मीन माना है, तो उस एज्यूम मीन को उसका जो एप्लीकेशन है उसके लिए हम यहाँ पे करेक्शन निकालते हैं, मीन का करेक्शन करते हैं और उसके बाद हम उसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले करेक्शन एक्स के लिए निकालेंगे, तो एम जो ओरिजिनल था अपॉन एज्यूम मीन यानी कि 17.30 उसका ओरिजिनल मीन था माइनस 17 यानी जो हमने माना था एज्यूम मीन वो किया तो 0.30 निकल कर आ गया। उसी तरीके से वाई के लिए भी 18.80 माइनस 18 करा 0.80 निकल कर आ गया। अब आप इसके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इन फॉर्मूले का यूज करेंगे जिसमें आपने क्या किया अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन जो आपका ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है उसमें आपने माइनस सी एक्स स्क्वायर निकाल लिया और यहाँ पे आपने सी वाई स्क्वायर निकाल लिया। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका जो कोरिलेशन का जो फॉर्मूला है वो कुछ ये बनेगा सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस सी एक्स करेक्शन इंटू सी वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इसमें सारी वैल्यूज रखने के बाद आपकी जो कोरिलेशन निकल के आया वो आया पॉजिटिव 0.39 यानी कि प्लस 0.39। तो आपने देखा कि डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव कोरिलेशन है और वैल्यू क्या है 0.39 है, 5 से कम है तो उसको हम यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं एक लो लेवल का पॉजिटिव कोरिलेशन यहाँ पे है। तो इस तरीके से आपने देखा अज्यूम मीन मेथड से भी हम पीएसएल प्रोडक्ट कोरिलेशन को निकालते हैं। तो इस तरीके से आप जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके एग्जाम में आते हैं उनको आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब बात आती है रैंक ऑर्डर कोरिलेशन में स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन की जिसको हम समझेंगे। स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन ऐसे कोरिलेशन को निकालने के लिए यूज किया जाता है जहां पे हमारे पास रैंक्स होती हैं, जब हम वेरिएबल्स में ऑर्डिनल वैल्यूज में उसको देते हैं और वहां पे हम रैंक प्रोवाइड करते हैं और रैंक के बेसिस पर फिर हम कोरिलेशन को निकालते हैं। तो स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन जो है किसने दिया था, चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था, इसलिए इसको स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कहा जाता है। 1904 में इसको दिया था और यहाँ पे कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जैसे आपने ऑनेस्टी की बात करी है, ब्यूटी की बात करी है या कुछ भी ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको आप रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं उनको हम यहाँ पे लेते हैं। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके मैथ्स के स्कोर्स यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे इनके साइंस के स्कोर दिए हैं, तो ये हमारे स्कोर्स हो गए हमारे पास। अब इन स्कोर्स को कई बार ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं लेकिन उनको भी हम स्पीयरमैन मेथड से निकालते हैं क्योंकि वो अजम्पशंस फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। तो वहां पे हम क्या करते हैं, पहले उनको रैंक प्रोवाइड करते हैं, रैंक प्रोवाइड करने के बाद फिर हम उनको स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन की मेथड से उनका हम कोरिलेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे भी हम रैंक प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए ये मैथ्स के स्कोर है, ये भी आपके साइंस के स्कोर है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले काम होगा रैंक प्रोवाइड करना। पहले वाले को भी रैंक प्रोवाइड करेंगे, दूसरे वाले को भी रैंक प्रोवाइड करेंगे। अब रैंक कैसे प्रोवाइड करते हैं, रैंक प्रोवाइड करने के लिए 1, 2, 3, 4 रैंक्स दी जाती है। पहला नंबर हम उसको देते हैं जो सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट जो होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे हाईएस्ट क्या है, 24 है, तो इसकी रैंक हमने 1 दे दी। उसके बाद हमारे पास दिख रहा है 20, तो इसकी रैंक हमने 2 दे दी। उसके बाद 18 दिख रहा है तो 3 दे दी। उसके बाद आपका 17 दिख रहा है तो आपने 4 दे दी। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपने देखा हाईएस्ट 22 है तो 1 दे दिया, फिर 2 दे दिया, फिर उसके बाद 3 इसको दे दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे रैंक्स प्रोवाइड की जाएंगी। जब आप R1 और R2 निकालेंगे, ये आपका रैंक 1 है, ये R2 है, तो आप निकालते हैं R1 माइनस R2 जिसको हम रैंक डिफरेंस के नाम से जानते हैं। जब रैंक डिफरेंस निकल जाता है तो इस डिफरेंस का हम स्क्वायर भी यहाँ पे निकाल लेते हैं, डी स्क्वायर। तो इस तरीके से पहले हम रैंक प्रोवाइड करते हैं, फिर यहाँ पे देखिए जैसे रैंक सारी प्रोवाइड हो गई। कई बार ऐसे केस होते हैं जहां पे एक ही नंबर रिपीट हो रहा होता है, जैसे मान लीजिए आपने सेकेंड रैंक आपने जिसको दी वो 20 था, थर्ड नंबर एक और नंबर है जो फिर से 20 है, तो वहां पे 2 और 3 दो आ गई, तो वहां पे आप 2+3/2 करके जो वैल्यू आएगी वो दोनों को प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से कई बार ऐसे केस भी होते हैं तो वहां पे आप उस हिसाब से रैंक देते हैं। ऐसा 2-3 बार रिपीट भी हो सकता है, कई और वैल्यूज के लिए भी हो सकता है। तो जब आपने ये कर लिया, रैंक दे दी, तो आपका जो डी निकल के आया था, डिफरेंस निकल के आया था, उसमें आप देखेंगे क्या होगा, जब आप R1 माइनस R2 करेंगे यहाँ पे भी नेगेटिव साइंस मिसिंग हो रहे हैं। जैसे आपने 3-5 किया तो ये माइनस आएगा आपका, ठीक है, 2-4 किया तो ये माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा। तो एक चीज ध्यान देनी होती है, जब आप R1 माइनस R2 यानी कि जो d है इसको निकालते हैं, तो जब आप समेशन d निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। अगर 0 नहीं आ रही है, क्योंकि ऊपर की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, नीचे की नेगेटिव होती है, तो ये टोटल होके 0 हो जाता है। तो ये अगर 0 नहीं हो रहा है यानी कि आपका जो कैलकुलेशन है उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक आ रही है,
फिर डी स्क्वायर आप निकालते हैं, उसका समेशन यहाँ पे आप निकाल लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे रो की वैल्यू हम निकालते हैं, स्पीयरमैन रो इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1। कई बार कई आप फॉर्मूले देखेंगे तो उसमें इसको एन क्यूब माइनस एन भी लिख दिया होगा, तो वहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये इसी का ओपन फॉर्म वहां पे यूज हुआ है। तो जो हमने वैल्यूज निकाल ली थी, यानी कि हमने डी स्क्वायर निकाल लिया था, एन हमें पता ही है यहाँ पे, तो इसमें हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। डी स्क्वायर की वैल्यू 42 पुट करी, एन 7 है, 7 7 स्क्वायर माइनस 1 जब वैल्यू हमने करी तो रो की वैल्यू निकल कर आ गई प्लस 0.25, यानी कि पॉजिटिव। फिर से हमारा जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव निकल के आया, प्लस को इग्नोर नहीं करना है या माइनस को इग्नोर नहीं करना है यहाँ पे, तो प्लस 0.25 निकल के हमारी वैल्यू आ गई। तो जिससे कि आपने स्ट्रेंथ को भी, आपको पता है कि स्ट्रेंथ हम कैसे डिसाइड करते हैं, जीरो से प्लस वन की तरफ हम जब बढ़ते जाते हैं तो वीक मॉडरेट हाई वेरी हाई या फिर हम परफेक्ट पॉजिटिव इसको मानते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, वीक पॉजिटिव कोरिलेशन आप इसको बोल सकते हैं। अगर ये माइनस की तरफ आता तो उसको हम वीक नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं, या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन भी हम अगर वन की तरफ आता तो उसको हम वो बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन में जो रो की वैल्यू है वो कैसे निकाली जाती है, और पियर्सन कोरिलेशन में हम आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग बहुत सारे हमने पढ़े थे, पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, पॉइंट बायसिल कोरिलेशन, बायसिल कोरिलेशन, लेकिन मेनली हमने यहाँ पे जो डिस्कस किए हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग, पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, ये आपके अक्सर न्यूमेरिकल में आते हैं, तो आप इस तरीके से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।